हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूँ विश्वकर्मा पूजा का जो ग्रुप बैनर पोस्टर डिजाइन कैसे कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन के पिक्सल लैब एप्लीकेशन से, कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली हमारी जो भी नई बैनर के वीडियो आती है आप लोगों को सबसे पहले मिल पाए। तो यहाँ पर आपको इस बैनर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना है, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से आपको जो इस बैनर का PLP फाइल और PNG डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अभी आपको जो वीडियो में पासवर्ड बोल के बताया जाएगा, तीन जगह पर पासवर्ड बोला जाएगा, जो पासवर्ड बोल के बताया जाएगा वो पासवर्ड डाल के फाइल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको जो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको जो अपने पिक्सल लैब में आना है, आने के बाद आपको जो एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना है, सबसे पहले नीचे के साइड में देखोगे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको नीचे के साइड में फोर्थ नंबर के ऑप्शन में क्लिक करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिलता है, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है जो आपने मेरे लिंक से डाउनलोड किया रहेगा। तो मेरा जो फोल्डर है उसका नाम है विश्वकर्मा पूजा ग्रुप करके नाम है। तो चलिए मैं उस फोल्डर में जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे फोल्डर में आ चुका हूँ, यहाँ पे देखोगे इस फोल्डर में आपको कुछ इस तरीके से PNG देखने के लिए मिल रहा है, साथ में PLP फाइल भी मिल जाएगा। जिन लोगों को PNG ओपन करके बनाने नहीं आते हैं वो लोग PLP फाइल को ओपन करके बैनर को बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको बैनर का बैकग्राउंड जिसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको एक न्यू टेक्स्ट मिलेगा, एक ऑप्शन पे आकर इसको डिलीट करना है, प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाना है। और यहाँ पे अभी आपको एक एक PNG को ओपन करके यहाँ पे सेट कर लेना है। तो चलिए यहाँ मैंने आपको जो भी सारा PNG दिया हुआ है, चलिए सारे PNG को ओपन करके यहाँ पे फटाफट सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको वीडियो में आगे क्या करना है आगे मैं आपको बताता हूँ। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखोगे तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको पासवर्ड नहीं मिल पाएगा, पासवर्ड नहीं मिल पाएगा तो आप बैनर को भी नहीं बना पाओगे। तो आपको वीडियो के साथ बने रहना है, वीडियो को देखते रहना है, स्किप किए देखना है। तो चलिए फटाफट मैं सारे PNG को ओपन कर लेता हूँ जो भी मैंने आपको दिया हुआ है इस बैनर को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ PNG को ओपन कर लिया, कुछ बाकी है तो उसको भी चलिए ओपन कर लेते हैं। पासवर्ड 1। तो यहाँ पे इस PNG को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लेयर के ऑप्शन पे जाता हूँ, जो भी सारा PNG मैंने ओपन किया उसको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि मुझे एडिटिंग करने में परेशानी ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हो जो भी सारा PNG था, जो भी मैंने दिया था इस बैनर को बनाने के लिए, सारे PNG को मैंने ओपन करके यहाँ पे सेट कर लिया हुआ है। यहाँ मेरा जो कुछ PNG बाकी कुछ टेक्स्ट को लिखना है तो यहाँ मैं आपको चले वो करके दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक दो टेक्स्ट लिख के दिखाऊंगा सेम, यानी उसी तरीके से आपको बाकी का टेक्स्ट जो रहेगा वो भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे चलिए मैं अपने बैनर को एक बार ओपन कर लेता हूँ, जो मेरा बैनर यहाँ पे देख सकते हो ये रहा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ऊपर आप देखोगे तो जो विश्वकर्मा के बारे में कुछ मतलब सारी जो मतलब सुविचार जो भी बोल सकते हो वो लिखा गया है। तो मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ, अगर आपको लगता है वो अच्छा नहीं है, अपने हिसाब से लिखना है तो लिख सकते हो। लिखना कैसे मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहेगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप जो भी सारा PNG देख रहे हो, अगर आपको लगता है उसका कलर चेंज करना है तो क्या करना है, आपको उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक कलर फिल्टर के ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक हू का ऑप्शन मिलता है, इसको आगे पीछे आप जैसे करोगे तो देखोगे आपका जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज होते हुए आपको दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके से आप जो टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कलर देना रहेगा। तो ये रहा तरीका, इसी तरीके से आप जो भी मतलब जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो PNG जो भी मैंने दिया हुआ है उसका कलर आप कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आते हैं यहाँ पर अपने टेक्स्ट के बारे में, चलिए मैं आपको कुछ टेक्स्ट लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है आप सभी लोगों को, तो उसके लिए मैं प्लस के ऑप्शन क्लिक करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करके नया टेक्स्ट ले लेता हूँ। एक ऑप्शन पर जाता हूँ, एडिट के ऑप्शन पर जाता हूँ, जो भी लिखा है उसको मैं कट कर देता हूँ। और कट करने के बाद यहाँ भी चलिए मैं लिख लेता हूँ सभी, सॉरी आप लिखना था आप सभी लोगों को, तो यहाँ पे जैसे मैं निकला आप सभी लोगों को लिखा मैंने और डन के ऑप्शन क्लिक करके मैं ओके कर देता हूँ। मेरा जो टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ और यहाँ पे आपको चले जाना है जो है फॉन्ट के ऑप्शन पर। जाने के बाद यहाँ पे आपको जो भी फॉन्ट पसंद है यहाँ पे आप उस फॉन्ट को सिलेक्ट करोगे। तो एग्जाम्पल के लिए चलिए मैं यहाँ पे कोई एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जो सिलेक्ट कर लेता हूँ एक जर बोल्ड वाला या तो कोई दूसरा फॉन्ट चलिए देख लेते हैं, मिल जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पे पॉपिन वाला है, इसका पॉपिन में चलिए मैं बोल्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे है। तो वह है बोल्ड इटैलिक, चलिए ये भी चलेगा, मैं नीचे ओके कर देता हूँ। अभी मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है, इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। पासवर्ड 7। और यहाँ पे अभी आपको चले जाना है जो कलर के ऑप्शन पे, जाने के बाद जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। कलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो है ऊपर राइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई एक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी यहाँ पे लगता है सेट करने लायक है। तो जैसे मैं अभी के लिए कलर ले लेता हूँ, ऊपर मैं राइट के ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ जो है स्ट्रोक के ऑप्शन पर, इसको इनेबल कर लेता हूँ। स्ट्रोक में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, स्ट्रोक मेरा ब्लैक कलर, यहाँ से मैं कलर उसका चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर मैं राइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ।
तो यहाँ पे देखोगे अभी मेरा लिख के हो चुका है, आप सभी लोगों को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इतना मेरा टेक्स्ट लिख के हो चुका है। अभी आपको करना है दोस्तों, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसी को सिलेक्ट करके इसका कॉपी ले लेना है, नीचे लाना है इस कॉपी को, और यहाँ पे अभी आपको करना है प्लस के ऑप्शन क्लिक करना है, सेव को सिलेक्ट करके एक नया सेव ले लेना है, और सेव को यहाँ पे लाना है, साइज आपको छोटा कर देना है, ऊपर से भी सॉरी साइड से भी छोटा कर देना है कुछ इस तरीके से, और रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से। बढ़ाने के बाद अभी आपको ऊपर राइट ऑप्शन में क्लिक कर देना है, चले जाना है थर्ड ऑप्शन पर। जाने के बाद यहाँ पे आपको एक स्ट्रोक ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करके इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको स्ट्रोक में जो भी कलर देना है वो कलर दे सकते हो। यहाँ जैसे मैंने ब्लैक कलर सिलेक्ट किया तो ब्लैक कलर आ गया मेरा। यहाँ पे आप जो भी कलर पसंद करते हो कलर सिलेक्ट करना है आपको। सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको करना है इस सेप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद थर्ड ऑप्शन पर आना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्सचर का, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको इस गैलरी ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद जो भी फोटो आपको लगाना है अभी आपको यहाँ पे उस फोटो को सिलेक्ट करना है। चलिए जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ। फोटो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पे 3x4 वाला साइज सिलेक्ट करना है, और जितना फोटो लगाना है उतना यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद नीचे आपको राइट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको जो इमेज यहाँ पे सेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से आप बाकी का जो भी सारा इमेज आप यहाँ पे देख रहे हो उस इमेज को सेट कर सकते हो, और यहाँ पे आप जो भी इमेज लगाए रहोगे उस इमेज में यानी उसका नाम भी लिख सकते हो। आपको जो टेक्स्ट आपने कॉपी लिया रहेगा इसका साइज आपको छोटा करके यहाँ पे लाना है, और एक ऑप्शन पर जाकर एडिट के ऑप्शन पर जाना है, जो भी लिखा है इसको कट कर देना है, और यहाँ पे आपने जिसका फोटो लगाया रहेगा यहाँ पे आप उसका नाम लिखोगे। जैसे मैं एग्जांपल ले कुछ नाम लिख के डन के ऑप्शन क्लिक करके ओके करता हूँ, तो देखो कि मेरा यहाँ पे इस फोटो के नीचे नाम सेट करके हो गया है। इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी फोटो लगाओगे, जो भी आप यहाँ पे यानी फोटो लगा के सेट करोगे उसका नाम कुछ इस तरीके से आप भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको जो एक ही सेट करके दिखा रहा हूँ, बाकी का आपको इसी तरीके से आप यहाँ पे जो एक फोटो लगाए रहोगे उसी को सिलेक्ट करके आपको इसका कॉपी लेना है, और कॉपी लेने के बाद इससे लाइन से 2-3 फोटो यहाँ पे सेट कर देना है। जिसे आप सेट कर दोगे तो बस खाली आपको इसका जो फोटो चेंज करना रहेगा, तो आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको चलिए एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे सेव का जो फोटो चेंज करना है इसको सिलेक्ट करके आपको चले जाना है टेक्सचर के ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके डिलीट करना है, और इस गैलरी को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको अभी जो भी फोटो लगाना है उस फोटो को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने अभी ये वाला फोटो सिलेक्ट किया, 3x4 वाला साइज भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं फोटो को क्रॉप कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। क्रॉप करने के बाद नीचे आपको राइट का ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करके देखोगे तो आपको जो फोटो यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी फोटो लगाना रहेगा वो फोटो भी आप सेट कर सकते हो, यानी फोटो को चेंज भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो मैंने PLP फाइल दिया हुआ है, अगर जो लोग PLP फाइल को ओपन करके सेट करते हैं तो कुछ इस तरीके से वो जो फोटो को चेंज कर सकते हैं। जो तरीका था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पे नाम चेंज करने के बारे में मैंने आपको कुछ टेक्स्ट लिख के दिखा दिया हुआ है, आपको उसी तरीके से करना है उतना तो आप कर सकते हो। तो बस आपको इतना ही काम करना है एक विश्वकर्मा पूजा का ग्रुप बैनर पोस्टर डिजाइन करने के लिए। जो भी तरीका था वो जो कुछ भी बताने लायक था इस बैनर के बारे में वो मैंने हर एक चीज़ को बता दिया हुआ अच्छी तरीके से। पासवर्ड 1, जिन लोगों ने वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखा होगा, उन लोग को अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। और यहाँ पे पासवर्ड की बात करें तो जो लोग ने अच्छे से वीडियो देखा होगा उन लोगों को पासवर्ड भी मिल गया होगा। यहाँ पे जो काफ़ी लोग बार बार कमेंट करते रहते हैं भाई आपने पासवर्ड नहीं दिया है, पासवर्ड गलत है, पासवर्ड ये है, पासवर्ड वो है, जबकि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोलते आ रहा हूँ, यानी हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोलता हूँ कि वीडियो में पासवर्ड आपको 3 जगह पर देखने के लिए मिलेगा, और 3 जगह आपको बोला जाएगा पासवर्ड 5 है, पासवर्ड 2 है, पासवर्ड 1 है, यानी ऐसी आवाज़ आपको वीडियो में 3 जगह पर आएगी। तो आपको वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। ऐसे मैं हर एक वीडियो में ही बोला हूँ, लेकिन जो मतलब पता नहीं क्या लोग सुनते नहीं वीडियो को, देखते नहीं है, समझते नहीं है, बस खाली कमेंट करते हैं पासवर्ड गलत है, पासवर्ड नहीं दिया है, बस यही मतलब कमेंट ही करते रहते हैं, क्योंकि उनको बहुत जल्दी रहती है वीडियो देखने का, मतलब सोचते हैं कि वीडियो बिना देखे ही मिल जाए तो काम मेरा हो जाए। तो इसलिए मुझे जो पासवर्ड देना पड़ता है ताकि लोग वीडियो को देखें। तो अभी आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों। तो चलिए अभी आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।